नमस्कार दोस्तों, मैं आराधना गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक टोटका शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, टोटका। टोटका किस लिए? ये जो टोटका है ये आपकी इच्छा को पूरी करने में आपको मदद करेगा। अगर आपको मानसिक शांति नहीं है, अगर आपका दिमाग में हलचल होती रहती है, अगर आप किसी चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं मनोकामना पूरी करने का उपाय, मनोकामना पूरी करने का टोटका। तो ये जो टोटका है ये आपकी किसी भी बड़ी से बड़ी, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल मनोकामना अगर है उसे पूरी करने में आपकी मदद करेगा। चाहे वो मनोकामना आपके प्यार से रिलेटेड हो, कई मेरे पास में कमेंट्स आते हैं, मोस्टली मेरे पास में जो कमेंट्स आते हैं वो होते हैं उन्हें उनके प्यार में सफलता नहीं मिल रही है, पार्टनर दूर चला गया है, पार्टनर कमिटमेंट नहीं कर दे रहा है, पार्टनर के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ मतलब प्यार से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एग्जाम को अगर पास करना है तब तो ये सबसे ज्यादा कारगर रहेगा आपके लिए। तो क्या करना है इस टोटके में, कैसे करना है, चलिए आपके साथ में मैं शेयर। मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से कई सारे हेल्पफुल वीडियोस मेरे चैनल पर मैं शेयर करती रहती हूँ जो आपकी डेली लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो उपाय है, ये जो टोटका है, इसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है एक नारियल, ठीक है, जो नारियल होता है जटाओं वाला पूरा नारियल ले लीजिए। अब इस नारियल पे आपको लाल जो मोली होती है, जो लाल धागा जिसे कहा जाता है, लच्छा कहा जाता है, जो हाथ में बांधा जाता है, इस तरह का लाल लच्छा आपको उस नारियल पे 7 बार लपेट देना है, ठीक है। नारियल के बीच में आप इसे 7 बार लपेट देंगे। 7 बार इसे लपेटने के बाद में आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है, ठीक है। कोई भी हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास, छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी, हनुमान जी के मंदिर में इस नारियल को लेकर जाना है। नारियल को हनुमान जी के पहले तो आप चरणों में अर्पित करेंगे और वहीं पर बैठ के आपको एक मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो मंत्र है आप इसे वहाँ पर बैठे बैठे कम से कम 51 बार आपको जाप करना है, चैंटिंग करना है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ठीक है। इस तरह से आप मिनिमम 51 टाइम बोलेंगे, चाहे तो आप ज़्यादा भी बोल सकते हैं, पर जब बोलेंगे तो आपको पूरे विश्वास के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में आपको इसे बोलना है, ठीक है। बोल दें और बोलने के बाद में ये जो नारियल है जिसमें हमने लच्छा बांधा है, इस नारियल को आपको हनुमान जी के मंदिर में जो हवन कुंड होता है, ठीक है, हर मंदिर में हवन कुंड जरूर होता है, वहाँ पर आपको इसे होम देना है, ठीक है। जिस तरह से वो हवन की आहुति जो जलती रहती है उसमें आपको इसे होम देना है। अगर हवन कुंड में हवन अग्नि नहीं है, नहीं जल रहा है, तो आप इसे कपूर से या किसी भी चीज़ से आप वहाँ पर इसे जला दें, ठीक है, और फिर आप निश्चिंत होकर अपने घर पे चले आएँ। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको इस उपाय के बारे में, इस चोट के बारे में किसी को नहीं बताना है, ठीक है। अगर कोई पूछता है, कोई देखता भी है कि आप ये क्या कर रहे हो, तो आपको इसके बारे में नहीं बताना है, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी करके आपको इसे टाल देना है। बस इतना सा उपाय आप कर लें, आप खुद देखेंगे आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है 11 ही दिनों में पूरी हो जाएगी। कितना भी मुश्किल काम हो धीरे धीरे बनने लग जाएगा, आपकी जो उलझने आ रही है, जो समस्याएं आ रही है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। बहुत ही कारगर उपाय है, आप इसे कीजिएगा ज़रूर। हाँ, एक और बात, ये उपाय कब करना है, तो आप इसे मंगलवार या शनिवार के दिन करें, ठीक है। एक ही बार करना है, मंगलवार को या फिर शनिवार को कीजिएगा ज़रूर, और फिर जब रिजल्ट मिले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द ही चैनल पर मैं एक सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, उसमें जो मेरे पास में पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जिनके काम हो चुके हैं, जो सक्सेसफुल स्टोरीज़ होती हैं, जो मेरे पास साथ में मेरे फॉलोअर, मेरे सब्सक्राइबर शेयर करते हैं, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। अपने सब्सक्राइबर का नाम भी आपको शो करूँगी कि जिन्होंने ये कमेंट्स दिए हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए और अपने भी फीडबैक मेरे साथ में शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।